सरायकेला जिले के चांडिल प्रखंड अंतर्गत हुमिद स्थित बिहार आयरन स्पंज कंपनी गेट पर रविवार को पंचग्राम विस्थापित व प्रभावित समिति का सातवां दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। हालांकि शनिवार को प्रभावित समिति एवं कंपनी प्रबंधन की द्विपक्षीय वार्ता बेनतीजा साबित रहा। बता दें कि 5 दिसंबर से पंचग्राम विस्थापित अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर कंपनी गेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। वहीं रविवार को सातवें दिन धरना जारी रहा। वहीं पंचग्राम विस्थापित व प्रभावित समिति की मांग है कि कंपनी शटडाउन के पहले जो भी विस्थापित व कामगार कार्यरत थे उन्हें पूर्व की भांति काम पर रखा जाए। रविवार को पंचग्राम विस्थापित समिति की धरना में निमडी जिला परिषद सदस्यता अनीता पारित बीएसएलआई गेट पहुंची तथा अपना नैतिक समर देते हुए जिला परिषद अनीता पारित ने कहा कि पंचग्राम विस्थापित व प्रभावित समिति की मांग जायज है। कंपनी प्रबंधन अड़ियल रवैया छोड़कर बीएसआईएल कंपनी प्रबंधन प्रभावित पंचग्राम विस्थापित के कामगारों को काम में प्राथमिकता दे। मौके पर पंचग्राम विस्थापित के अध्यक्ष आशुतोष बेसरा, जगन्नाथ मांझीगिरी, महतो समर सिंह, सरदार पिंटू हेमब्रम सहित सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद थे। पंचग्राम विस्थापित की ओर से आज सातवां दिन पार होकर आठवां दिन चल रहा है। अभी तक इन लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है और उसमें मैं गई थी तो उन लोगों का देखी कि मांग जायज है, इसमें मैं नैतिक समर्थन पूर्ण रूप से नैतिक समर्थन मेरा है। सरायकेला से द नेटवर्क के लिए फनी भूषण टूडू की रिपोर्ट। और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क।